सातवीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार ने जहां कल जदयू कार्यालय में अपने नव निर्वाचित विधायकों से मिलकर बात की, वहीं आज अपने आवास पर एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख से बात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चूंकि 16वीं विधानसभा को नियमतः भंग करनी होगी, इसलिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि नीतीश ने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर को एनडीए के विधायक दलों की बैठक है जिसमें नेता चुना जाना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया यानी सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। बैठक करेंगे विधायक दल, विधायक मंडल दल सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उसी सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद ही होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक, आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए वर्तमान जो हाउस है, असेंबली है, विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की, और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन माननीय गवर्नर साहब, और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी एनडीए की 15 तारीख को दिन में 12:30 बजे तक, यही आज का फैसला। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह सरकार के साथ हैं। हालांकि यह भी बात करने की कोशिश की गई कि क्या महागठबंधन की तरफ से कोई लोक लुभावनी बातें की जा रही है, तो वह कुछ भी बोलने से बचते रहे। हम एनडीए के साथ है और एनडीए में रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। क्या मंत्री पद को लेकर बातें हुई है? ऐसे कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और हमारी सरकार है, और मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। संपर्क किया क्या आप लोगों से? छोड़िए सब, तो अच्छा अंदर की बात है क्या ये? तो क्या आपने उनको मांग उनकी अनसुनी कर दी? अरे छोड़िए वो सब, क्या वो तो देख रहे किस तरीके से लोग चीटर लोग हैं, उनके पीछे कहाँ जाल में फंसना है। डिप्टी मछुआरा है, मल्ला है, हम लोग जाल में लोग को फंसाते, हमारे इधर कौन हमको भी फंसा सकता है? ठीक है, डिप्टी सीएम की भी मांग तो नहीं की आपने? नहीं, हमारे बिहार में हमारी सरकार है। अच्छा, तो सरकार मंत्री कितने बन रहे हैं आपके? वो सब सारे चीज हमारे मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। अभी क्या हुआ बैठक में ये बताइए, तय हो गया तारीख? धन्यवाद। माना जा रहा है कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। चूंकि एनडीए के पास बहुमत से 3 ज्यादा यानी 125 सीट है, इसलिए लगभग यह तय है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद उन्हें राजभवन से सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। लाइव इंडिया के लिए पटना से हीरालाल की रिपोर्ट।